रहीम, अस्सलाम वालेकुम ग्रेड सेवन, होप सो यू आर फाइन। माय नेम इज़ फरवा तारिक एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना वीक नंबर टू का लेक्चर नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अभी तक हमने देखा कि हम एनिमल्स किस किस तरह से अपने फूड ले रहे हैं, ठीक है, वो किस किस तरह के एनिमल, उनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। अभी तक जो हमने देखे वो होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स में जो हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए एंड ओमनिवोर्स हो गए, ठीक हो गया। हर्बीवोर्स जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स जो कि सिर्फ मीट लेते हैं, और ओमनिवोर्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने होस्ट से फूड लेते हैं, होस्ट यानी कि किसी भी प्लांट या एनिमल से फूड इस्तेमाल करते हैं और उल्टा उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, और इनका जो रिलेशनशिप होता है यानी कि वो पैरासाइट्स का और जो होस्ट होते हैं उनका जो रिलेशनशिप होता है उनको हम कहते हैं पैरासिटिज्म, ठीक हो गया। हमने ये चीज़ें देख ली थी। नेक्स्ट जो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डैट इज़ सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। ग्रेड सिक्स के अंदर आपने सेप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा होगा। सेप्रोफाइट्स आर बेसिकली द डीकम्पोजर्स, ठीक है। सेप्रोफाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं। असल में वो क्या करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग मैटर होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका वो उनको एज अ फूड वो लेते हैं, ठीक हो गया। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही अपनी एनर्जी लेते हैं, यानी कि डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो मर जाते हैं, जो पौधे मर जाते हैं या जो एनिमल्स मर जाते हैं उन उधर से ही अपनी एनर्जी ड्राइव करते हैं, ठीक है, उनको डिकम्पोज करते हैं, और ये फ्रेंडली होते हैं, ये नेचर के इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक हो गया। इनको हम क्या कहते हैं? डेट्रिटिवोर्स, ठीक है, डेट्रिटिवोर्स, यानी कि इनका दूसरा नेम हमने क्या पढ़ा, सेप्रोज जो ऑर्गेनिजम्स का, डेट्रिटिवोर्स। फॉर एग्जाम्पल कौन से एनिमल्स हो गए हमारे पास? वुड लाइस हो गए, यानी कि ये देखें, ये जो वुड लाइस हैं, ठीक है, डंग फ्लाई हो गया, ठीक है, मिलीपीड हो गया, ये क्या है? सेप्रोजोइक, ये बेसिकली क्या है? डेट्रिटिवोर्स हैं, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन के अगर आपको नेम से पता चले तो ये देखिए म्यूचुअल, यानी कि ये दो ऑर्गेनिज्म का जो आपस में किस तरह से वो उनका रिलेशन है, वो क्या किस तरह से अपनी फूड ले रहे हैं, ये असल में म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन उनके बारे में हम देखेंगे। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसमें दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक हो गया। जो इसका डिफरेंस पैरासिटिक न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंस है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन होते हैं, इसमें भी दो ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी दो ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और इन रिटर्न उसको नुकसान भी पहुँचाता है। लेकिन जो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो दोनों रहते साथ साथ ही हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचा रहे होते हैं, ठीक हो गया। इसको देखते हैं। In this mode of nutrition, two animals live close to each other and they interact in such a manner that either both are benefited or one of them is benefited. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस mode of nutrition में दो animals close रहते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ वो अब एक दूसरे के साथ इस तरह इंट्रैक्ट करते हैं, या तो वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं या उनमें से एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाता है, ठीक है, अपनी फूड को हासिल करने के लिए। बट नन ऑफ देम इज़ हार्म फ्रॉम दिस एसोसिएशन, लेकिन इस एसोसिएशन से, यानी कि जो हमारे पास ये दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं, इस एसोसिएशन से इन दोनों में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा। पास जो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन की जो बिगेस्ट एग्जांपल है डेट इज़ रिमोरा फिश। बेसिकली दिस इज़ द रिमोरा फिश एंड दिस इज शार्क। इस फिश अपनी फूड लेती किस तरह से है, ये शार्क के साथ अटैच हो जाती है, लाइक आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये इसके फिन्स नहीं है शार्क फिश के, जबकि ये जो है ये हमारे पास क्या है, रिमोरा फिश है, ठीक हो क्या, ये इसके साथ क्लिंग हो जाती है, मीन्स अटैच हो जाती है उसके बॉडी सरफेस के साथ, ठीक है, ये देखिए इसकी बॉडी के ऊपर आप अटैच है, जब इसकी बॉडी सरफेस के साथ ये अटैच हो जाती है तो ये क्या करती है,
ये जो शार्क फिश है बेसिकली, जहाँ से अपना फूड लेती है, जब अपना फूड लेती हैं तो जो स्क्रैप्स बच जाते हैं वो क्या करती है, वो रिमोरा फिश इस्तेमाल कर लेती है और वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स डिराइव कर लेती है। एग्जांपल देख ली कि रिमोरा फिश किस तरह से शार्क के साथ अटैच होके किस तरह से अपना फूड लेती हैं। और अब अपने एक होमवर्क असाइनमेंट करनी है, बाय यूजिंग एनी सर्च इंजन राइट डाउन सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डेट्रिटिवोर्स एंड म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। अपने डेट्रिटिवोर्स यानी कि जो सुपरोजाइक न्यूट्रिशन के अंदर हमने जो ऑर्गेनिज्म सीखे थे उनकी फर्दर को एग्जांपल्स को सर्च इंजन से सर्च करना है, और म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की कोई दूसरी एग्जाम्पल रेमोरा फिश एंड शार्क के अलावा वो आपने सर्च करके उसको किसी भी कॉपी के ऊपर या शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अच्छे से लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।